बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबाक किचन में वेलकम करती हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। मैं आज सहरी के लिए बना रही हूँ रोगनी पराठा। रोगनी पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, नमक हसबे जायका और घी 1 टेबलस्पून और आधा गिलास पानी। देख लेंगे, अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो हम इसको कम कर लेंगे। एहतियातन हमने 2 कप के लिए आधा गिलास पानी लिया है। सबसे पहले हमने इसमें डाला आटा, नमक जो लिया था हफ्ते गाय का, नमक जो है ना कम ही रखा है, ज़्यादा नहीं लिया। अगर आप लोग ज़्यादा लेते तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, लेकिन इतना जो है ना सही है बना सकते। और 1 टेबल स्पून घी, अब हम इसको अच्छे तरीके, आप लोग देख रहे हैं रोगनी पराठे का जो है आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसके साथ बना रहे हैं शामी कबाब। सहरी है ना आज, तो सहरी में कबाब पराठा बना रहे हैं। खुश्की जो है ना बहुत थोड़ी सी लगानी है, बहुत हल्की हल्की हमें खुश्की में। आप लोग देख रहे हैं हमने इसमें खुश्की जो है बहुत हल्की है। इसका आटा थोड़ा सख्त होता है ना, तो हम इसको थोड़ी मेहनत से जो है ना बिलेगा। ये आप लोग देख रहे हैं ये रोटी बिल गई है। अब मैं इसको तवे पे डालने जा रही हूँ। अब देखें मैं ये तवे पे रोटी डाली हूँ, आज जो है ना हल्की रखनी है। आप लोग देख रहे हैं आज हल्की रखनी है ना, तो ये हल्की हल्की अंदर से सिकेगी। आप ये देख रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच घी। अब इसी में हम ना फ्राई करेंगे, है ना। घी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाला है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख रहे हैं हमारी सारी तैयार हो गई है। अल्लाह ताला सबके साथ आसानियां करें, सबकी मुश्किलात आसान करें, हम सबके रोज़े कबूल करें। आमीन।